लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। प्रेगनेंसी हर महिला के लिए नाजुक दौर होता है। इस दौरान महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें करने की मनाही होती है। कई बार देखने में आता है कि महिला का पहला बच्चा दूध पी ही रहा होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसी महिलाओं के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या उन्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? क्या एक बच्चा गोद में है, दूसरा आपके पेट में है, क्या दूध पिलाना सही है? ये बहुत सारे क्वेश्चन हर महिला के दिमाग में आते हैं। हम उनके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो आइए शुरू कर रहे हैं। महिलाएं सोचती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान स्तनपान करवाने से क्या उनके होने वाले बच्चे पर किसी तरह का असर पड़ेगा? क्या प्रेगनेंसी के दौरान स्तनपान कराने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कराना सुरक्षित है? इन सब क्वेश्चन का जवाब आपको मैं दे रहा हूं। छोटे शिशु को दूध पिलाने वाली महिलाएं भी मां बन सकती हैं। कई महिलाओं में देखा जाता है कि महिलाएं पहले बच्चे को बेस्ट फीडिंग करवा ही रही होती हैं कि दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसे में सवाल ये बहुत आम है कि प्रेगनेंसी के दौरान बेस्ट फीडिंग करवाना बिल्कुल सुरक्षित है? प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के दूध के उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं ना सिर्फ बेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, बल्कि यह गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए भी सुरक्षित है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप अपने बच्चे को बेस्ट फीडिंग करा रही हैं, जो पहला बच्चा आपका है या दूसरा बच्चा है, तो बेस्ट फीडिंग कराने से आपके पेट में पलने वाले बच्चे में उसमें कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं आएगा, उससे कोई तकलीफ उसको नहीं होगी। आपके पेट में जो बच्चा है वो सुरक्षित है, उस बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है। बेस्ट फीडिंग कराते वक्त सिर्फ आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान छोटे बच्चे को बेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, उन्हें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान बेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन युक्त चीज़ों का सेवन ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। इस दौरान शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए महिलाओं को डाइट में अनार, चुकंदर, ड्राई फ्रूट और रेड मीट जैसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस समय ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय पहले ब्रेस्ट को गीले कपड़े या वाइप से साफ करें। बच्चे को फीड कराने से पहले ब्रेस्ट को गुनगुने पानी से धोएं या सूती कपड़े से गुनगुने पानी में गीला करके ब्रेस्ट को साफ करें, उसके बाद ही आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। तो ये था हमारा वीडियो आज आपके लिए। मेरे को उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके आप बताएं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।